मैं केशव गुजर बिठलोदा तहसील कोटपुतली जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आपसे पहले गुलाब की खेती किया करता था जो केवीके से के संपर्क में अंग्रेजी दवाइयों से किया करता था। अब की बार मैंने लेखराम भाई का एक वीडियो देखा जिसमें उनसे पाया कि वो TCVT। केशव जी कब लगाया था आपने फूल? फूल मैं लगाया था सर मई 2 मई को। दो मई को लगाए थे खेत में। अच्छा, कितने बीघा में? 2 बीघा पक्की में। 2 बीघा में पूरा TCVT? पूरा TCVT। अच्छा, कोई केमिकल नहीं डाला? कोई केमिकल नहीं। क्या डाले TCVT में? सबसे पहले ऊर्जा जल डाला। हाँ, ऊर्जा जल के बाद में मैंने फसल कुट्टी और ये एम प्लस और वी प्लस, वो भी स्प्रे किए? नहीं, उसको जमीन पे डाला। जमीन पे डाला था। उसके बाद में फसल गुट्टी। हाँ। और जैव रसायन। हाँ। और फिर फसल गुट्टी और नैनो नत्रजन और ओपी की। ओके पी। हाँ, ओके ये भी स्प्रे किए? ये स्प्रे। कैसी फसल आई? फसल मेरे यहाँ जो देखने वाले थे मेरे साथ के जो कंज्यूमर थे, हाँ हाँ, उनसे भाई लेखराम जी को मिलाया था मैंने। हाँ हाँ, उनका खेत भी देख के आए थे, मेरा भी देख के आए थे। तुलना तो भाई साहब ही बताएंगे इस बात की, ये कर सकते। फिर भी बताओ दूसरों से कैसा था, रासायनिक से कैसा था? रासायनिक से बहुत बेस्ट था। उनके बजाय मेरा प्रोडक्शन उनके 40 क्विंटल निकला है, मेरे 100 क्विंटल निकला है। क्या बात कर रहे हो? जी सर, ढाई गुना। ढाई गुना, क्या बात है। उनका 2 बीघा में कितना निकला? 2 बीघा में 100 क्विंटल निकाल दिया और 20 क्विंटल लास्ट के अंदर भाव नहीं रहने की वजह से नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा तो 200 क्विंटल निकला 2 बीघे में। 2 बीघे में, क्या बात है। कौन सा फूल है ये? कलकत्ती इंडेक्स वाला बीज था जी। गेंदे का जी। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ TCVT का कमाल। गांव कौन सा है आपका? गांव बिठलोदा है, तहसील कोटपुतली। नाम केशव है। और मोबाइल नंबर बताइए। 9887-39-404। तो ये देखिए किसान भाइयों, एक किसान मुझसे मिलने आए अभी, और अभी जो है मेरे से जो है एक किसान भाई मिलने आए और इन्होंने अपनी सारी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। चलिए केशव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और ऐसा करिए, रिकॉर्ड प्रोडक्शन करिए। मैं तो हर मेरे गांव के नागरिकों को भी कहता हूँ, यहाँ लेखराम जी के पास भी आता हूँ तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये कलयुग के कृष्ण है, इनसे समझौता करो, नहीं तो आप पछताओगे। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए, इससे पंच महाभूत शुद्ध सजीव हो रहे हैं और उससे हमारी प्रकृति अच्छी हो रही, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। ठीक है, करिए करिए केशव भाई, नमस्कार। केशव भाई, यह आपने 2G 3G कटिंग करी है ना? हाँ। तो एक बार नीचे से वो दिखाना, कितने कितने हैं इसकी टहनियाँ, कितनी हैं नीचे से? नीचे से टहनियाँ गिनती में कौन है, गिनते में नहीं आएंगी। देखो फिर भी अगर आ जाए तो आ जाएंगे, इधर से करो। देखो एक, हाँ, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। अब 13 के भी ऊपर जो है ना, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, इसमें 13 तो मेन ब्रांच में हो गई नीचे से ही है ना, और आठ उससे ऊपर हो गई है ना, और अब आठ के ऊपर भी। उसके बाद में एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच एक एक में हो गई। अच्छा, पाँच एक एक में पाँच हो गई। हाँ। आठ के एक में पाँच है। हाँ। अरे यार, ये पूरा पेड़ को पकड़ना एक बार, पूरा का पूरा आप एक बार इसको, इतना पेड़ है ये, है ना। और इसकी ये अगर इसके फूल गिने तो मेरे हिसाब से काउंट 100-150 फूल हो जाए, 100-150 फूल एक पे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। अब ये जितनी भी टोटियाँ बन रही है ना, हाँ, ये सब फूल बनेंगे ना। हाँ, ठीक है ठीक है।